अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं गरम मसाला। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच खुश्क धनिया, 2.5 चम्मच काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे 17 से 18 लौंग, कड़ी पत्ते के 3 पत्ते, सौंठ और 2 जायफल के दाने। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर ही रोस्ट करना, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर रोस्ट करने से इसमें खुशबू ज़्यादा आएगी। ये मसाले रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 जावित्री के फूल, बड़ी इलायची ये 6 से 7 ऐड कर लें, 3 लंबी दालचीनी के टुकड़े इन्हें छोटा करके यूज़ करें, 2 चम्मच कसूरी मेथी और 4 से 5 बादियान के फूल। अब हम ऐड करेंगे 10-12 इलायची के दाने और 1/2 चम्मच अदरक का पाउडर। इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे और जो मसाला हमने पहले रोस्ट किया उसी में साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने ग्राइंड कर लिया, अब हम इसे 2 घंटे बाद जार में ऐड करेंगे। तो हमारा गरम मसाला रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खाएं पिएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।